हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप भी मेरे जैसा ही अपने फूलों के संग, अपने पौधों के संग बेहद खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको जेरेनियम के प्लांट को कैसे केयर करें, जैसे कि आपको पता है कि गर्मी आने वाली है और इस प्लांट को हमें किस तरह बचा के रखना है ताकि ये प्लांट आगे तक चले। जैसे कि आपको देख के भी लग रहा कि ये फूल बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अट्रैक्टिव सा फूल है और देखिए ये गुच्छों में खिलता है और एकदम बॉल जैसा दिखता है जब अच्छा फ्लावरिंग इसका होता है। ऐसे तो जेरेनियम जो प्लांट है इसके कई स्पीशीज होते हैं, कुछ तो एनुअल होते हैं, कुछ पेरिनियल। ये जो प्लांट्स आप टायर्स में लगे हुए देख रहे हैं ये है आईवी जेरेनियम और ये पेरिनियल जेरेनियम है, पेरिनियल प्लांट है। दिसंबर जनवरी से ही इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और ये जो स्प्रिंग सीजन है इस सीजन में मैक्सिमम ब्लूमिंग दिखने को मिलता है और जब तक बहुत ज़्यादा ना गर्मी आती है ये फ्लावरिंग करता ही है। जब मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है उस दौरान इसको खास जो चिलचिलाती धूप है उससे बचा के रखना होता है, थोड़ा सा पार्शियल शेड में इसको हमें रखना होता है ताकि ये ज़्यादा गर्मी में इसकी पत्तियाँ झुलसे नहीं। जेरेनियम जो प्लांट है ये एक सॉफ्ट वुडेड प्लांट है, इसीलिए इसमें रूट रॉटिंग की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो पानी को भी पानी जब हम इसमें दें तो काफ़ी सावधानी से देना है। और जैसे कि आपको पता है कि गर्मी में पानी इवापोरेट भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पानी चेक नहीं करके भी पानी देते रहते हैं, तो ये जो टेंडेंसी है ये भी गलत है। हमेशा पानी जब भी दे जो ऊपरी लेयर है मिट्टी का उसको चेक करके ही दे। जेरेनियम के प्लांट को मॉइस्ट तो पसंद है बट सॉगी बिल्कुल नहीं पसंद, सॉगी ज़्यादा दिन तक रहने से इसमें रूट रॉटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए बरसात के समय में भी इसको बचा के रखना बहुत एक टीडियस जॉब हो जाता है। जैसे कि मैंने बताई कि इसके जो ये सॉफ्ट वुडेड प्लांट्स होता है और इसके जो रूट्स है वो भी काफ़ी शैलो होता है, बहुत डीप रूट्स नहीं होता है, तो इसीलिए कई बार क्या होता है आजकल जैसे बहुत ज़्यादा हवा भी कई बार चल जा रही है, हवा से भी ये देखिए ये जो ब्रांच है इसका ये देखिए यहाँ से क्रैक हो गया है, तो कई बार इससे भी पौधे को थोड़ा डैमेज हो जाता है। जैसे तो आप देख सकते हैं कि मैं एक स्टिक के हेल्प से इस ब्रांच को मैं बांध दी हूँ ताकि ये पूरी तरह टूट ना जाए। जेरेनियम को क्रेन्स बिल भी कहा जाता है और ये कई कलर्स के आते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये डार्क पिंक है, लाइट पिंक है और अभी आपने रेड कलर में भी देखा है जेरेनियम, और एक पौधा मेरे पास वाइट कलर का है। इसको मैं ये जो सारे प्लांट्स को मैंने ये दिवाली के आसपास लगाई थी और ये प्लांट्स काफ़ी छोटा पौधा मैं ख़रीद के ही लेके आई थी और तभी मैंने जो ये मिट्टी है उसमें कंपोस्ट मिलाई थी और सैंड भी मिलाया था, तो सैंड मिलाना भी ज़रूरी है क्योंकि आपको वेल ड्रेन बनानी है, पानी बिल्कुल भी रुकना चाहिए मिट्टी में। ऐसे ये बहुत ही लो मेंटेनेंस लो केयर वाली प्लांट है, एक बार आप लगा दीजिए उसके बाद 20-25 दिन में एक बार, अभी जैसे फ्लावरिंग हो रहा है तो हम इस समय लिक्विड फर्टिलाइज़र जनरली मैं देती हूँ, 20-25 दिन में कंपोस्ट को पानी में भिगो के उसको दे देती हूँ, या कई बार मैं सरसों खली भी देती हूँ, लिक्विड सरसों खली, लेकिन चूँकि अभी थोड़ा गर्मी भी हो रहा है तो बहुत डाइल्यूट करके दे रही हूँ। तो आप देख सकते इधर ये भी ये जैसे सूख गया है सारे फ्लावर, ये तो ये डेड हेडिंग करना भी ज़रूरी है, तो आप जब ऐसे फ्लावर्स सारे खिल जाए और ड्राई हो जाए फ्लावर्स तो इसको नीचे से आप कट कर दें, और अगर आप नहीं कट करेंगे तो ये हर एक फ्लावर एक सीड्स बनेगा और आप सीड से भी जेरेनियम को उगा सकते हैं, जेरेनियम प्लांट्स को उगा सकते हैं, और ये कटिंग से भी बहुत अच्छी तरह लगता है और इनफैक्ट कटिंग से अगर आप लगाएंगे तो फ्लावरिंग भी जल्दी होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये गुच्छों में फूल खिलते हैं
और जो भी फूल खिलते हैं तो वो अपराइट होता है और जो कलियां होती है वो नीचे की तरफ होती है, झुकी रहती है, तो बहुत ही प्यारा सा दिखता है ये, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसको इस तरह, ये जो कलियां जो खिलने में टाइम है वो नीचे को झुकी रहती है और जब फूल खिलता है तो वो अपराइट हो जाता है। ये पुराना क्लिप है, ये इसमें आप देख सकते हैं कितना छोटे छोटे प्लांट्स हम लोगों ने लगाए थे और अभी आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो लगाते समय ही जो पॉटिंग मिक्स था वो काफ़ी अच्छे से हम लोग प्रिपेयर किए थे और तब से आज तक हम लोगों ने इसमें कोई जो पेस्ट इंसेक्ट्स का अटैक नहीं देखे है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों के घर में इसमें आपका स्पाइडर माइट्स की प्रॉब्लम हो जाती है और कई जनों के घर में मिली बग्स का भी प्रॉब्लम्स देखने को मिला है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखी है। हम लोग बीच बीच में नीम ऑयल का स्प्रे इसमें ज़रूर करते हैं तो हो सकता है यही वजह है, कोई अभी तक इसमें इंसेक्ट्स का अटैक्स नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने बिल्कुल ना भूले। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।